अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी, क्या हाल है? कैसे हैं मेरे बेटे? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ जी सर जी। अच्छा आप देखो, हम कौन से क्वेश्चन कर रहे थे? क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे ना हम? हाँ जी। हाँ जी बस ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में वो ये कह रहा है कि आपके पास ने दो चीजें दी हुई है आपको। एक उसने सेट दिया हुआ है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये देखो ये इसने यहाँ से लेकर ये लिखा हुआ है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ये यहाँ तक नहीं, ये यहाँ तक देखो ठीक है। दूसरा लिखा है सेट ऑफ होल नंबर, दो बातें अलग अलग हैं। अब उसने ना ये सेट उसने सेट बिल्डर फॉर्म उसमें सॉरी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दे दिया, नंबर्स की फॉर्म में नहीं दिए। उसने ये सेट जो है ना आपको इस तरह लिखकर दे दिया है इंग्लिश में, यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। अब वो कहता है कि अगर आपके पास ये दो सेट हो तो क्या फाइंड करें? फाइंड एन यूनियन डब्ल्यू और एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू, यानी आपने दोनों सेटों का यूनियन भी करना है और दोनों सेटों का इंटरसेक्शन भी करना है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है? अब देखें, हाँ अब पहला अब मैं ये इसको ओपन कर लूं आपके व्हाइट बोर्ड को ये जी। अब देखें हमारे पास जो सेट था उसमें हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और सेट ऑफ होल नंबर है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एन में हमारे पास कौन से सेट आ जाएंगे बेटा? एन में हमारे पास आ जाएंगे नेचुरल नंबर विच आर नेचुरल नंबर 2, 3 एंड सो ऑन 2 ये है ना 1, 2 हाँ जी 1, 2, 3 ये। इसके बाद लिखेंगे होल नंबर्स, होल नंबर्स में आपके पास यही नंबर होंगे लेकिन 0 भी आ जाएगा 0, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये डॉट डॉट लगा के आप इसको क्लोज कर देंगे ठीक है। yes. अब उसने हमें yes. दो काम करने को कहा हुआ है। एक काम उसने कहा हुआ है कि इन दोनों सेटों का आप क्या कर दें, इन दोनों सेटों का एक तो यूनियन निकाल दें और एक इन दोनों का आप yes. क्या कर दें इंटरसेक्शन निकाल दें। इंटरसेक्शन अब मैं पहले इसका यूनियन निकालने लगा हूं, तो देखिएगा मैं निकालता हूं यूनियन एन यूनियन डब्ल्यू। देखिए जब हम यूनियन करते हैं तो क्या करते होते हैं, पहले हम एन के एलिमेंट्स को लिखेंगे। एन के एलिमेंट्स कौन से हैं? ये वाले 1, 2, 3 इसको मैं थोड़ा नीट करके yes. लिखता हूं 1, 2 एंड 3। इसके बाद ये देखें आगे yes. जो उसने डॉट डॉट लगाई ये ऐसे ही आपने ना लिख देने हैं, ये भी ये छोड़ने नहीं है yes. ये आपने 3 डॉट yes. लगा के इसको क्लोज कर दिया। फिर आपके पास है यूनियन yes. का, देखें ये यूनियन का साइन है, इस यूनियन के साइन को आप राइट करें और उसके बाद yes. क्या करने आपने, उसके बाद आपने ये एलिमेंट्स भी सारे के सारे लिख लेने हैं ठीक है। हमारे पास ये है 0, 1, 2, 3 जीरो yes. 2 और 3 अच्छा जी। अब हम जब इस दोनों सेटों का जब हम यूनियन करते होते हैं तो यूनियन में आपको याद होगा मैंने क्या बताया था, यूनियन में क्या करते हैं बेटा? यूनियन में हम दोनों सेटों के सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं लेकिन जो एलिमेंट एक से ज्यादा बार आ रहा हो उसको आपने एक बार लिखना है, यानी कि ये 1, 2, 3 सारी काउंटिंग और ये 0, 1, 2, 3 सारी काउंटिंग, सारी की सारी काउंटिंग आपके यूनियन में आएगी ठीक है। अब आप देखें yes. हमारे पास 0 yes. भी है और ये 1, 2, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम लिखेंगे 0, 1, 3 एंड उसके बाद ये 3 कॉमे लगा के इसको क्लोज कर देंगे, तो ये आपका एन यूनियन डब्ल्यू यानी कि पहला आंसर निकल आया ठीक है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब हम इसका इंटरसेक्शन नीचे जाके कहीं करते हैं इंटरसेक्शन, बल्कि इसी को इसी जगह पे कर देता हूँ। ये यूनियन वाली बात समझ आ गई आपको? यस। अब मैं इंटरसेक्शन पे आ रहा हूँ, देखें इंटरसेक्शन के अंदर क्या होगा, इंटरसेक्शन के अंदर ये जो आपका साइन है यूनियन वाला ये खत्म हो जाएगा और इसकी जगह पर आपने इंटरसेक्शन का साइन यूज कर लेना है। अब मैं इसका इंटरसेक्शन करने लगा हूं एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू आ जाएगा ठीक है। अब भी उसी तरह yes, पहले एन yes. के सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं। एन के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जी हमारे पास? 1, 2, 3 है तो हम पहले 1, 2, 3 लिख लेते yes. हैं इंटरसेक्शन yes. इसको डॉट डॉट लगा के क्लोज कर लें, उसके बाद इंटरसेक्शन लगाएं। इंटरसेक्शन अब हमने क्या करना है ये डब्ल्यू वाले एलिमेंट्स को लिखना है, डब्ल्यू वाले एलिमेंट्स को मैं रेड कलर में लिख रहा हूं। होल नंबर
आप मेरी बात सुनो, जब मैं आपको पढ़ा रहा होता हूँ ना, मैं कोई बात कर रहा होता हूँ, तब आप मेरी बात को अच्छी तरह समझा करो. क्यों? इसलिए कि आपको पता है ना, ये नेट पे चल रही है कॉल, तो मेरी आवाज आपको एक दो सेकंड के बाद आती है. मैं अभी बोल रहा होता हूँ, फिर आप बोलते हो ना, फिर वो दरमियान में मिक्स होना शुरू हो जाती है. जब मैं बंद अपनी बात करना बंद कर दूं, फिर आप, जब मैं आपसे पूछूं, फिर आप जवाब दिया करो. ठीक है? अच्छा, अब आप देखें, अब हम क्या करेंगे, अब हमने डब्ल्यू के एलिमेंट्स को राइट करना है. तो डब्ल्यू के एलिमेंट्स क्या है? 0, 1, 2, 3. तो हम लिखेंगे 0, 1, 2 और 3. आगे आप डॉट लगा के इसको क्लोज कर देंगे. ठीक है? अब आप मुझे बताएं, अब मुझे बताएं कि इंटरसेक्शन के अंदर हम कौन से एलिमेंट्स राइट करते हैं? सेम. हाँ, शाबाश. अब हमने क्या करना है, दोनों सेटों के सेम एलिमेंट्स को लिखना है. तो हम दोनों के अंदर देखें सेम एलिमेंट्स कौन से हैं. 0 है, 1, 2, 3 है ना. 1, 2, 3. देखें यहाँ भी 1, 2, 3 है, यहाँ भी 1, 2, 3. तो हम लिखेंगे 1, 2, 3 और ऐसे फोन के लिए 3 वो लगा दें और इसको आप ब्रैकेट में क्लोज कर दें. तो ये आपका एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू भी हो गया. क्लियर हो गया? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. इसमें देखें, ये क्वेश्चन 4 बिल्कुल ऐसा ही है. इसमें उसने लिखा हुआ है पी इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर एंड सी इज इक्वल टू सेट ऑफ कंपोजिट नंबर. फिर उसके बाद वही यूनियन और इंटरसेक्शन ही करना है. मैं आपको सेट ऑफ प्राइम नंबर और सेट ऑफ कंपोजिट नंबर लिख के दे देता हूँ, बल्कि मैंने आपको ये करवाया भी था. तो आप सेट ऑफ प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स के साथ को यूज करके आपने ये वाला क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है. ठीक है? मैं आपको इसका सेट ऑफ प्राइम नंबर और सेट ऑफ कंपोजिट नंबर आपको बता देता हूँ. देखिए, सेट ऑफ प्राइम नंबर और सेट ऑफ कंपोजिट नंबर हमने पहले भी पढ़े थे, मैं फिर आपको बता रहा हूँ. सेट ऑफ प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, वो नंबर होते हैं जो किसी भी नंबर के टेबल पे नहीं आते, किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होते. इसको हम पी से शो करते हैं. सेट ऑफ प्राइम नंबर पे हमारे पास 2 से स्टार्ट होते हैं. ये 2, 3, 5, 7 बस इसने लिखकर, अगर आपने इस तरह डॉट लगा के फोन कर देना है, यानी ये आपके पास नंबर होते हैं जिनको हम प्राइम नंबर कहते हैं. और जो कंपोजिट नंबर होते हैं, वो नंबर होते हैं जो एक से ज्यादा टेबल्स पे डिवाइड होते हैं. जैसे आपके पास 4 है, 5 तो यहाँ आ गया, आपके पास 4 के पास 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, और ये सब के सब जो नंबर होते हैं, ये आपके पास कंपोजिट नंबर होते हैं. तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स को, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स को आपने बेटा खुद यूज करना है, और यूज करके इस क्वेश्चन को आपने खुद सॉल्व करना है. ठीक हो गया? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं जा रहा हूँ. ये आप जो मैंने अभी आपको ये चीज बताई है ना, ये कंपोजिट नंबर वाली और ये वाली, इसको आपने खुद सॉल्व कर लेना है. अब आपने मुझे करके व्हाट्सएप करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन 5 में आप देखें, उसने हमें एक ए दिया हुआ है. मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ. ये देखें, एक हमें ए दिया हुआ है, एक बी और एक सी. अब इसने हमें 3 सेट दे दिए हैं. 3 सेट नजर आ रहे हैं ना. ये देखें, ए, बी एंड सी. 3 सेट न्यू हैं, और वो कहते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी निकालें और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालें. यानी एक दफा हमने इन तीनों सेटों का यूनियन करना है और एक दफा हमने इन तीनों सेटों का इंटरसेक्शन भी करना है. तो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इस जैसा ही क्वेश्चन नीचे है, वो आपने खुद करना है. क्वेश्चन को देखिएगा, मैं क्वेश्चन राइट कर रहा हूँ, आपने मुझे राइट करवाना है क्वेश्चन. ठीक है? अच्छा, देखें जी. हाँ, अब हमारे पास ए में कौन से एलिमेंट है? ए वाला लिखवाओ जरा. ए, ए यूनियन बी. ए के एलिमेंट्स लिखवाओ. ए के, ये क्वेश्चन नंबर 5 है ना? जी जी. नहीं, ए बी सी डी एफ. अच्छा, ए बी सी डी एफ इक्वल टू ए बी सी डी और एफ. डी. अच्छा, बी और डी और एफ क्या है? बी इक्वल टू बी सी एफ जी. बी सी एफ जी. बी सी एफ और एफ जी. अच्छा, सी के एलिमेंट कौन कौन से हैं? सी एफ जी एच. सी एफ जी और एच. एच. अच्छा, अब देखिए, अब हम इसका जो है ना सोल्यूशन करने लगे हैं. देखिए, सोल्यूशन में कहा हुआ उसने ए यूनियन बी यूनियन सी, इसके दरमियान में उसने ब्रैकेट का भी यूज किया हुआ है. ठीक है ना? देखें, ए यूनियन बी यूनियन सी. पहले हम ब्रैकेट को करेंगे, यानी बी यूनियन सी करेंगे, उसके बाद हम इस ए को साथ में अटैच करेंगे. तो मैं लिख रहा हूं, यहां गौर से देखिएगा. ए यूनियन बी
यूनियन सी। अब हमने ये चीज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास ना पहले बी यूनियन सी लिखा हुआ है, आपने ब्रैकेट के अंदर वाले को पहले सॉल्व करना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, बी यूनियन सी, तो पहले हम बी यूनियन सी को, तो मैं इसको डिफरेंट कलर से सॉल्व करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है, बी यूनियन सी, तो पहले हम बी के एलिमेंट्स को राइट कर लेते हैं। बी क्या, सी एफ जी है, पहले हम लिखेंगे बी सी एफ जी, बी है तो बी के एलिमेंट लिखेंगे बी सी एफ और जी, ठीक है जी। उसके बाद यूनियन का साइन है, यूनियन का साइन लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे सी वाले एलिमेंट, वो है सी एफ जी एच, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी एफ जी एच एफ सी एफ जी एच जी और एच एच। अब देखो इन दोनों का यूनियन करना है, यूनियन में हम कौन से एलिमेंट्स लिखते होते हैं, इसका और इसका यूनियन करना है, कौन से एलिमेंट लिखेंगे, सही डिफरेंट, कौन से डिफरेंट, अभी मैंने बताया था यूनियन में कौन से एलिमेंट लिखते हैं, डिफरेंट लिखते हैं, दोनों सारे एलिमेंट लिखते हैं, ऑल एलिमेंट्स, लेकिन जो एलिमेंट एक से ज्यादा बार आ रहा है उसको भी एक बार लिखना, सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। अब हम देखो अब हम कौन कौन से एलिमेंट, पहले लिखेंगे बी सी एफ जी, अब देखो बी सी एफ जी हो गया, अब हमने सी लिखना है वो पहले आ चुका है, फिर एफ लिखना था वो भी आ चुका है, जी लिखना था वो भी आ चुका है, एच बच गया, एच आ जाएगा। अब एच, अब ये हमने क्या निकाला, ये हमने निकाला बी यूनियन सी, ठीक है। यस, हमने तो ये निकालना था ना, असल जो हमारा टारगेट था वो था ये सारी बात करना, ए यूनियन बी यूनियन सी, हमने बी यूनियन सी निकाल लिया, अब हम ए को अटैच करने लगे हैं, देखना कैसे अटैच करना है, साथ हमने इकट्ठा कैसे करना है, हम लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी। अब पहले हम ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, ए के एलिमेंट्स कौन से हैं, ये वाले ए बी सी डी, यहाँ लिखेंगे ए बी सी डी एफ, ए बी सी डी सी डी और डी एफ। उसके बाद यूनियन का साइन लगा देंगे, और ये जो हमने रिजल्ट निकाला है बी यूनियन सी वाला, ये वाला, अब हम ये इसके आगे लिखेंगे, ठीक है। अब मैं ये इसके आगे लिखने लगा हूँ डी यूनियन, ये कौन सा है बी सी, ये बी सी एफ जी, एफ जी और एच। अब देखो भैया जी अच्छी, तो अब इसके रिजल्ट में कौन से एलिमेंट लिखेंगे, इसके रिजल्ट में हम ये सारे एलिमेंट्स भी लिखेंगे और ये भी लिखेंगे, जो एक से ज्यादा बार आ रहे हैं उसको एक बार लिखेंगे, ठीक है। सर जी बी में एच नहीं है, अच्छा ये वाले लिखे बी में एच नहीं है, एच नहीं है, ओए अच्छा है यार, हमने बी वाले एलिमेंट नहीं लिखे, हमने ये वाले लिखे, ये वाले बी यूनियन, अच्छा ये लिखेंगे ना, बी यूनियन सी की जगह पर हम बी यूनियन सी के एलिमेंट्स लिखेंगे, समझ नहीं आई सर जी, नहीं ये देखो मैं तो थोड़ा ऐसे करके दिखाता हूँ, ये देखो अब फिर देखना एक दफा, देखो हमें ना उसने तीन सेट दिए हुए हैं, एक ए दिया हुआ है, एक बी दिया, एक सी दिया, ठीक है। हमने ये चीज निकालनी है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले हमने बी यूनियन सी किया, वो मैंने लिखा बी यूनियन सी, बी लिखा सी लिखा, दोनों का यूनियन कर लिया, ठीक है। अब हमने असल में निकालना तो ये था ना, तो हमने ये पूरी बात लिखी, जब हमने पूरी बात लिख ली तो फिर हम पहले ए को लिखेंगे, ए के एलिमेंट्स ये हैं, तो पहले हमने ए के एलिमेंट लिखे, फिर बी यूनियन सी के एलिमेंट लिखने थे, वो है बी सी एफ जी एच, तो हमने यहाँ बी यूनियन सी की जगह बी सी एफ जी एच के एलिमेंट लिखे। अब समझ आइए, अब हमने क्या करना है, इसके सारे एलिमेंट्स यानी इन दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करना है, तो हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, ए बी सी डी एफ। अब देखो हमने पहले ये वाले लिख लेने, अब बी लिखना है वो हो चुका है, सी भी हो गया और डी भी हो गया, जी और एच आएगा, जी और एच, एच, तो ये आपका आंसर निकला, ठीक है, समझ आई है। यस, अच्छा अब हम चलते हैं इसके इंटरसेक्शन पे, इंटरसेक्शन, अब इसका दूसरा पार्ट है, उसमें हमने इसी का इंटरसेक्शन निकालना है। अब देखो कैसे इंटरसेक्शन निकालता हूँ, गौर से देखना,
अब अगर इंटरसेक्शन निकालना है तो हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब हमने ये चीज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जब आप ये चीज फाइंड आउट करनी है तो पहले आप ये वाला काम करोगे ना जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, बी इंटरसेक्शन सी। हाँ, पहले हम क्या निकालेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। अब बी इंटरसेक्शन सी जब निकालना है तो पहले क्या लिखूंगा, बी के एलिमेंट बी बी सी एफ और जी जी, फिर इंटरसेक्शन का साइन लगाऊंगा ये जो लिखा हुआ ये वाला, उसके बाद सी लिखूंगा। सी क्या है, सी एफ जी एच, यहां लिखूंगा सी एच सी एच सी एफ जी एच जी और एच। अब आप देखो इन दोनों को कंबाइन करो, अब कंबाइन मतलब इन दोनों का आपने सॉरी कंबाइन ही करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। बताओ इसमें और इसमें दोनों में कौन सी चीज बिल्कुल सेम है, जो दोनों में सेम है वो ये हमारा आंसर होगा सी एफ जी। सी दोनों में है, एफ जी एफ भी दोनों में है और जी भी दोनों में है, तो हम लिखेंगे सी एफ और जी, ठीक है जी। ये आपके पास क्या आ गया, इंटरसेक्शन सी। अब हमने ये देखो, अब ए निकाल लिया हमने, अब ए को भी साथ मिलाना है, ठीक है। अब ए को अगर साथ मिलाना है तो हम क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब हम पहले किसको लिखेंगे, ए को लिखेंगे, ठीक है। अब देखो पहले ए लिखा हुआ है ना यहाँ पे, अब हम पहले ए को लिखेंगे। ए में क्या था, ए बी सी डी एफ, ये है ना, ए बी सी डी एफ नजर आ रहा है ना, यस यस। अब हम यहाँ लिखेंगे A B C D F, A B C D और F, फिर ये इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे और उसके बाद अब आपने ये लिखना है, ये हमने कहाँ निकाला हुआ है, ये चीज हमने कहाँ निकाली हुई है, ये निकाली है देखो, ये निकाली, ये लिखेंगे C F, ये C D F, यहाँ लिखेंगे C F, क्या लिखेंगे C F G, इस पर लिखेंगे C F G, C F और G। अब इन दोनों में आपने कॉमन एलिमेंट ढूंढने हैं, इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स तलाश करते हैं। इस ये जो दो सेट हैं आपके पास, एक ये वाला और ये वाला, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट बताओ कौन से हैं। देखो ए दोनों में नहीं है, सी दोनों में है, एफ और एफ दोनों में है, तो आपका आंसर क्या निकलेगा, सी और एफ, एफ ये आपका आंसर निकला। जो भी क्वेश्चन की समझ आ गई, यस। अच्छा अब आपका देखें, क्वेश्चन नंबर फोर भी हो गया और क्वेश्चन नंबर फाइव भी हो गया, फोर कर दिया, फोर किए नहीं है, फोर किए ही नहीं है, थ्री मैंने किया, फोर आपके लिए दिया है मैंने, फाइव मैंने कर दिया है, अब सिक्स आपने करना है और सेवन जो है ना ये मैं कल करवाऊंगा, ये डिफरेंस वाला जो नया टॉपिक है, तो कल अब आपने ये जो है ना क्वेश्चन नंबर थ्री फोर फाइव सिक्स करने हैं, ठीक है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।